मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहना सेना को आरंभ करने की घोषणा राज्य की महिलाओं का कल्याण करने हेतु की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे गांव जिनकी आबादी 1500 से कम है, उन सभी गांवों में 11 सदस्यों की सेना तथा वह सभी गांव जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, उन सभी गांवों में 21 सदस्यों की सेना का गठन किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्राम वार्ड स्तर पर एक सेना को शामिल किया जाएगा। इस सेना में गांवों की करीब 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस सेना में राज्य सरकार द्वारा उन महिलाओं को अवश्य शामिल किया जाएगा जो महिलाएं ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों में शामिल है। इसके साथ ही एमपी लाडली बहना सेना में सभी सेना सह प्रभारी और सर्वसम्मति से लाडली बहना सेना प्रभारी आदि को मनोनीत किया जाएगा। इनके द्वारा करीब एक साल तक अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उस ग्राम की एक सक्रिय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला बाल विकास विभाग की सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सेना के समन्वयक के रूप में मनोनीत किया जाएगा। लाडली बहना सेना द्वारा माह के द्वितीय सप्ताह में कम से कम एक बार एवं आवश्यकतानुसार बैठकें की जाएगी। बैठक का संचालन लाडली बहना सेना प्रभारी द्वारा किया जाएगा। बैठकों में परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, ANM समय समय पर मार्गदर्शन देंगे।